नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्याज महंगाई के आंसू रुला रही है, तो कांग्रेस भी इस प्याज के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर जन जन तक पहुंचेगी। आप देखिए, यहां पर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, प्याज की माला लेकर विरोध कर रहे हैं। प्याज के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव में भी ये प्याज की बढ़ती महंगाई का मुद्दा बनाएंगे आप लोग? देखिए, जनता जो जनार्दन है, वो अपने से जुड़े मुद्दे, जो मुद्दे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें हमेशा सर्वोपरि मानकर ही वोट देगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और यही कारण है कि हम जानना चाहते हैं, शिवराज सिंह चौहान ये बताएं, प्याज ने खून के आंसू क्यों रुलाए? सरकार प्राइसेस को रेगुलेट करने में असक्षम क्यों है? इतनी अर्थव्यवस्था डामाडोल क्यों है? पिछले एक साल में आटा 35% दाम बढ़ गया, पिछले 3 साल में खाने का तेल दुगना हो गया, 5% GST दही पर, दूध पर, घी पर लगा दिया गया। सांची जो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, उसमें आप मठा ले लें, मीठा दूध ले लें, श्रीखंड ले लें, सब कुछ महंगा हो चुका है। और महंगाई की मार गृहिणियों पर, गृहस्थी जो चला रही है महिलाएं, उन पर दोहरी पड़ती है। सबसे ज़्यादा वो परेशान और पीड़ित होती हैं। खाना अगर थाली से गायब होता है तो वो बिना खाना खाए सो जाती हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि जनता पर तो मार पड़ी रही है, जो अन्नदाता है उसे भी फायदा नहीं हो रहा है। शाहजहाँपुर में तो 2-2 रुपये किलो प्याज बिकी है, 300 किलो प्याज, जो यहाँ पर 80 रुपये किलो बिक रही है। ऐसा ही लहसुन के साथ भी हुआ, 45 पैसे का किलो किसान बेचता है और फिर मंडियों में उसका भाव बढ़ा दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार उठा रही है, जनता समझ रही है और आज तथाकथित मामा जी से जवाब मांग रहे हैं। तो बिल्कुल प्याज की माला पहनकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या विरोध है आपका? देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और हर दिन बढ़ रही है, और मध्य प्रदेश की पूरी जनता इससे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। ये थोड़े बहुत पैसे लाडली बहना के नाम पे दे के ये डबल वसूली कर रही है ये सरकार। फिर इसको क्या, ये माला पहनकर आप किस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का भी चुनाव है ऐसे में आप लोग? देखिए, माला पहन के ये हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश की जनता को जिस प्रकार से परेशान कर रखा है इस भारतीय जनता पार्टी की कुशासन वाली सरकार ने, इसमें महंगाई आसमान पे बढ़ रही की तरह ऊपर चल रही है और पेट्रोल डीजल ऐसी रोज आम वस्तु जो हर दिन महंगाई की मार रही है। जो आप लोग माला पहनकर विरोध कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में घर घर तक पहुँचाएंगे क्या इस मुद्दे को? देखिए, महंगाई का जो मुद्दा है वो हम लोग पहले से, काफ़ी पहले से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर भी हम उतरे हैं और काफ़ी प्रदर्शन भी किए हैं और कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम इस पर कर चुके हैं। और अब जो ये प्याज का मुद्दा गरमाया है, एक बीजेपी की जो एक नेता है वो तो कह देती है मैं तो प्याज नहीं खाती, लेकिन ऐसा कह देने से जनता की समस्या हल नहीं हो जाती है। तो ये मुद्दा लेकर हम घर घर तक जाएंगे और जो बीजेपी के नेता जो सोए हुए हैं उन्हें भी जगाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव में जहाँ माहौल गर्म है, तो प्याज भी महंगाई के आंसू रुला रही है और कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को घर घर तक पहुंचाएगी। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।